पहले एक मूवी आई थी कंगना दीदी की, इंडिया की सबसे पहली एरियल एक्शन मूवी खुद को कहते हुए। वो मूवी देखकर ऐसा लगा कि हम कोई सस्ता VFX वाला गेम देख रहे हैं मूवी हॉल में। ऐसा डूबा तेजस कि लिटरली कंगना दीदी को भीख मांगना पड़ा कि आ जाओ हमारी मूवी देखने के लिए। और देखो फाइटर का टीजर आया, क्या टीजर है बॉस। टीजर का काम ही होता है लोगों में क्यूरियोसिटी बढ़ाना। और सिद्धार्थ आनंद ने बैंडमैन बनाया, फिर वॉर बनाया, फिर पठान बनाया और अब फाइटर। लिटरली ऋतिक का पूरा यूज करते हैं ये, और ऋतिक से बेटर कोई दूसरा एक्टर हो ही नहीं सकता फाइटर के लिए। बंदे की पर्सनालिटी, वो करिश्मा, वो लुक ही काफी है एक मूवी को ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए। ऋतिक कुछ ऐसे एक्टर नहीं है जो साल में 4 फिल्म लेके आ जाए। वो टाइम लेते हैं ताकि एक जबरदस्त कंटेंट ओरिएंटेड सिनेमा लेकर आए, जिसे देखकर एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस भी मिले। बस टीजर में अगर कुछ डायलॉग हो जाता ऋतिक रोशन, दीपिका का या फिर अनिल कपूर का, तो और भी ज्यादा मजा आ जाता। वो जो स्टार्टिंग में लाइंस लिखा हुआ आता है वो तो अलग था, लेकिन वही चीज अगर ऋतिक के मुंह से सुन लेते तो भाई अलग मजा आ जाता। बट ऑल इन ऑल उसके बाद जो टीजर पिकअप लेता है और फिर वो एरियल फाइट सीन्स और उसके बाद वो कट पे कट सीन्स दिखाते हैं, विच इज इनक्रेडिबल। हाई लेवल VFX एंड CGI और स्पेशली वो ऋतिक का क्लोजअप वाला शॉट, वो भी एकदम रियल लग रहा है। दिस इज कॉल्ड डायरेक्शन एंड सिनेमेटोग्राफी। इंडिया के स्टाइलिश डायरेक्टर है सिद्धार्थ आनंद और ये मूवी इंडिया की ब्लॉकबस्टर मूवी बनने वाली है। टीजर ही आग लेवल है तो सोचो ट्रेलर क्या अलग लेवल होगा और मूवी क्या होगी। सिद्धार्थ आनंद के साथ ऋतिक का हैट्रिक होने वाला है और इस रिपब्लिक डे में तूफान आने वाला है। और रिकॉर्ड्स अगर टूटे नहीं ना तो मेरा नाम बदल देना। ग्रीक गॉड इज ऑफिशियली बैक टू ब्रेक ऑल द रिकॉर्ड्स और इसमें इनको किसी भी कैमियो की जरूरत ही नहीं है। बंदा अकेले ही काफी है लोगों का होश उड़ाने के लिए और रिकॉर्ड्स तोड़ने के लिए। ये ऐसी मूवी है जिसे देखने के लिए हर एक मूवी लवर जाएगा थिएटर्स में। ऐसे एरियल एक्शन सीन्स इंडियन सिनेमा में पहले कभी नहीं देखा गया, तो तैयार हो जाओ टू विटनेस द मैजिक सून। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक बनता है और वो घंटी दबाना मत भूलना ताकि मेरे वीडियोस आपसे मिस ना हो। थैंक यू।